हेलो दोस्तों, राजीव इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरे प्रिंटर में एक प्रॉब्लम आ गया है और इसका मॉडल नंबर है HP लेजर जेट M1005। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। जब भी आप प्रिंट करते हैं तो इसमें लाइनिंग सा आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, बिना कुछ डाले ही इसमें प्रिंट करेंगे, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। और इसको प्रेस करते हैं तो स्कैनिंग ले रहा है और दोस्तों देखिए यह प्रिंट कर रहा है। तो दोस्तों आपके सामने यह फॉल्ट को ठीक करके दिखाऊंगा। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो HP लेजर जेट में M1005 में। तो दोस्तों देखिए, यह लाइनिंग सा आ रहा है, इसमें यही प्रॉब्लम है। देखिए कितना प्रिंटिंग किए हैं, प्रिंटिंग आ रहा है फिर भी लाइन सा आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे इधर से प्रेस करके, और उसके बाद कार्टेज को बाहर निकाल लेते हैं और इसमें भी देख लेते हैं। तो सब चीज़ ठीक ठाक है इसके अंदर। और दोस्तों कार्टेज को देख लेंगे, कुछ तो इसमें हुआ है नहीं ना, तो इसको उठा कर देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए, इसमें देखिए एक कागज फंसा हुआ है, आपको दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों देखिए कागज अटका हुआ है। तो दोस्तों आपके सामने इसे ठीक करके दिखाऊंगा। और सबसे पहले अपने कैमरे को सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने कैमरे को सेट कर लिया और इसको खोलते हैं तो इधर के साइड से खुलेगा। तो स्क्रू के बड़े बढ़िया से रख लें और दोस्तों इसको बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद यह ड्रम जो है इसको भी बाहर निकालेंगे और देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आया हुआ है। तो धीरे धीरे इसको खींच कर बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें जो कागज फंसा हुआ है उसे चिमटे की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद इसे अच्छे से साफ सफाई कर देंगे। इसमें जो पेंट है उसे मतलब साफा कर देंगे ब्रश से लेकर, अच्छे से क्लीन करके, और उसके बाद ड्रम को भी साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड की है। तो दोस्तों ड्रम को जैसे निकाले थे वैसे ही डाल देंगे, अच्छे से धीरे से धीरे धीरे करके ड्रम को अंदर डालें, नहीं तो अंदर का ज़्यादा ज़ोर से डालेंगे तो अंदर का कुछ भी टूट सकता है। तो दोस्तों लगता है फॉल्ट इसी से ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता है तो दूसरा स्टेप आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे लगा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से और यह लग गया। और उसके बाद इसका जो ढक्कन है उसे भी मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों बड़ी ही सावधानी से इसका काम करें, इसका मतलब बॉडी टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा बाज़ार में। और स्क्रू को लगा लें और इसे अच्छे से कस लें। तो दोस्तों इसे सीधे ही प्रिंटर में ले चलते हैं और प्रिंटर के अंदर डालकर देखते हैं कभी फॉल्ट इसका ठीक हुआ या नहीं। तो दोस्तों इसको अंदर डाल दिया है और देखिए इंस्टॉलिंग हो रही है कार्टेज। और उसके बाद प्रिंट पर स्टार्ट कॉपी वाले बटन पर प्रेस करेंगे तो देखिए प्रिंटिंग कर रहा है, मतलब प्रिंटिंग करने के लिए रेडी है। तो देखते हैं क्या होता है, सही होता है या नहीं।
अगर सही हो जाता है तो ठीक है, या नहीं तो दूसरा स्टेप देखेंगे। तो दोस्तों यह ठीक हो गया, देखिए दोस्तों।